साथ हैवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन. आज 24 सितंबर 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 8:14 हो रहे हैं. कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में जो हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था उसके फर्स्ट आवर में जो फ्राइडे का एक फोर्स था, बाइंग फोर्स, वो मंडे को एक फर्स्ट आवर में कंटिन्यू होते हुए हमें दिखा. हालांकि फर्स्ट आवर के बाद जो ऊपरी लेवल्स थे वहां पर एक साइडवेज पैटर्न बन गया. जो फोर्स था फ्राइडे का, उसने इसे गैप अप ओपन मंडे को ओपन कर दिया और उसके बाद एक फ्लैट ट्रेडिंग पैटर्न हमें देखने को मिला. तो अभी नेक्स्ट डे यानी आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो क्या ये अपसाइड रैली और एक्सटेंड होगी या फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन आएगा और फिर हमें यहाँ से पॉजिटिव रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आएंगे. तो सपोर्ट लेवल्स कहाँ बन रहे, कहाँ रेजिस्टेंस के लेवल्स बन रहे, ये आइडेंटिफाई करेंगे. उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 23 सितंबर आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल का ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,383 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,238. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग तो कोई यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ और ऊपर ही के लेवल पे ये साइडवेज पैटर्न में ट्रेड होते रहा. तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी कल. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ. हालांकि नासडैक में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, मिला जुला कारोबार ओवरऑल यूएस मार्केट्स में देखने को मिला. यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कल लाल निशान में बंद हुए थे और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो पॉजिटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर 81 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 55 पॉइंट्स की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से, एशियाई मार्केट से तो अभी फिलहाल पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं. हालांकि यूरोप और यूएस मार्केट्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है. तो आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे. मंथली चार्ट से एक बार शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस. उससे पहले जो ये गवर्नमेंट ने एक बूस्टर डोज इकोनॉमी के लिए ये एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी किया है जिसे ब्लू प्रिंट कहा जा रहा है. तो ये जो पहले सरचार्ज कम कर दिया एफपीआई के ऊपर, उसके बाद में पीएसयू बैंक्स का मर्जर कर दिया, जो आरबीआई से सरप्लस फंड है वो गवर्नमेंट को मिलने वाला है, उसके बाद अभी यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स को कम कर दिया और जीएसटी टैक्स को भी कम कर दिया. तो इसका ओवरऑल असर तो एक तरह से देखे जाए तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर इसका सीधा असर गिरेगा. तो ये रेवेन्यू कम होगा तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो क्या ही पॉसिबल है अचीव करना, क्या फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा? और ये जो गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए हैं, ये जो बूस्टर डोज इसे कहा जा रहा है, इसका सही में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या डिमांड बढ़ेगी? एनर्जी सेक्टर में तो ऑलवेज डिमांड रहती है, लेकिन बाकी के जो सेक्टर्स है उसमें डिमांड क्रिएट होगी या नहीं, ये जो सेकेंड क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, इसके बाद जो कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, जो इकोनॉमिक डेटा रिलीज होगा, उससे हमें पता चलेगा कि क्या वाकई ये वर्क कर रहा है या नहीं. अगर पॉजिटिव फिगर्स आते हैं तो मार्केट भी उसी तरह पॉजिटिव रिएक्ट करेगा. तो आने वाले समय में अगर फिगर्स पॉजिटिव आते हैं, इकोनॉमिक डेटा हमें अच्छा दिखाई देता है सेकेंड क्वार्टर का, तो यहाँ से पॉजिटिव रैली हमें और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे सकती है. तो ये था एक फंडामेंटल रिव्यू सिनारियो अभी तक. चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, मंथली चार्ट से शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में. तो ये मंथली चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लास्ट 20 ईएमए के यहाँ से इसने एक रिवर्स ट्रेंड दिखाया था 2018 में, अक्टूबर 2018 में. तो ये जो लो हाई और लो है, ये जो स्विंग हाई लो, इसे पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया था. तो इसका जो 50% का लेवल था इसी के पास इसने 2 महीना यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर एक साउथवर्ड मूव दिखाया. तो अभी फिर से यहाँ पर 20 ईएमए के पास ये रिवर्सल एक ट्रेंड दिखा रहा है. तो अगर हम इस ये जो 20 ईएमए के पास इसने एक रिवर्स मूव दिखाया है, इसे हम अगर स्विंग लो पकड़ ले और आने वाले नेक्स्ट लेवल को अगर हम प्रोजेक्ट करें, तो यहाँ पर
हमें फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करना होगा, तभी ये लो होगा फर्स्ट, उसके बाद ये हाई होगा। एक ये लो, ये हाई और ये लो, तो यहां पर मैं 50% का लेवल ऐड कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं इसने अभी 50% का ये जो लेवल है ये यहां पर ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। कल का इसने हाई लगाया था 11,694, तो अभी ये 11,694 यानी 700 पकड़ लेते हैं। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 11,934, जहां पर इसने ये प्रीवियस स्विंग हाई बनाया था उसी के पास 61.8% का लेवल आ रहा है। तो अगर ये स्विंग लो कंसीडर करते हैं हम लोग, यहां से और भी अपसाइड मूव अगर हमें देखने को मिलता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 11,934 का होगा। अगर हालांकि आरएसआई के देखें तो अभी भी यहां पर हायर बॉटम्स नहीं बन रहे। हायर बॉटम्स यानी कि ये जो मंथली चार्ट में आरएसआई यहां पर लोअर हाइज बना रहा है, ये लोअर हाइज बना रहा है। तो अपसाइड मूव आने के लिए आरएसआई में हायर बॉटम्स बनना बहुत जरूरी है। ये यहाँ से ऐसे ये जो बॉटम्स है ये ऊपर की तरफ बनने बहुत जरूरी है। अभी ये लोअर हाइज यहाँ पर बना रहा है, इसका जो टॉप का ये जो पोर्शन है ये लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हमें आरएसआई में हायर बॉटम्स देखने को मिलते हैं तो हमें प्राइस एक्शन में भी और ऊपर की तरफ ये रैली जो है अपसाइड मूव ये कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल इसके मेजर रेजिस्टेंस होंगे एज पर मंथली चार्ट 11,934 के पास एक पहला पड़ाव होगा, फिर 12,000 साइकोलॉजिकल बैरियर है। सबसे पहले तो इसे 11,700 को पार करना होगा क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल आ रहा है। तो ये मंथली चार्ट का सिनेरियो है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था कल 11,543 61.8% का हमारा जो ये फर्स्ट टारगेट था एग्जैक्ट उसी के पास निफ्टी इंडेक्स कल ओपन हुआ ये, और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है। तो 100 पॉइंट्स का ये गैप है। इस कैंडल का हाई देखे तो 11,381 है और इस कैंडल का लो देखे तो 11,471 है। तो यहाँ पर ये जो 100 पॉइंट्स का गैप है ये फील भी होगा आने वाले वक्त में। तो अगर यहाँ से कोई भी ट्रेंड रिवर्सल अगर हमें देखने को मिलता है तो फर्स्ट ये गैप क्रिएट होगा और यहाँ पर 11,370 के पास एक पहला सपोर्ट टेस्ट करता हुआ हमें निफ्टी इंडेक्स दिखाई दे सकता है। अगर ऊपर की तरफ अगर मूव होता है तो 700 के बाद यहाँ पर 76.4 का एक लेवल बन रहा है 11,757। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो पास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्विंग हाईज बन रहे हैं। ये एक पास्ट में यहाँ पर स्विंग हाई बना था और ये यहाँ पर स्विंग हाई बना था। तो इसका जो हाई का लेवल है ये ऑलमोस्ट 76.4% के लेवल के पास आ रहा है। तो ऊपर 11,750 अगर 700 को ब्रेक करता है तो इमीडिएट 11,750 का रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट का सिनेरियो। हम लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ सकता है। नीचे पैटर्न तो सुपर क्रिएट हुआ है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और वो भी लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्रिएट हुआ है, यानी यहाँ पर इसका इम्पैक्ट जबरदस्त हमें देखने को मिल सकता है। तो ऊपर के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन होता है, ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है इनके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें टेक्निकली अपसाइड रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। डेली चार्ट की बात करें तो सेम पैटर्न अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी अपसाइड अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है क्योंकि मूविंग एवरेजेस डेली चार्ट में अभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। अपसाइड रैली देखने के लिए पैटर्न 20, 50, 100 और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड होता हुआ अगर हमें दिखता है तो यहाँ से अपसाइड रैली कन्वर्ट होते हुए हमें नजर आ सकती है। अभी फिलहाल यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स का बना हुआ है, हालांकि इंडेक्स इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है अगर यहाँ से एक करेक्शन आता है, ये जो प्रॉफिट ये जबरदस्त अपसाइड मूव आया है ये प्रॉफिट बुकिंग अगर दिखाती है तो यहाँ पर 11,370 के पास फिर से एक बार एक सपोर्ट टेस्ट करके हमें बाउंस बैक होता हुआ नजर आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो लास्ट कुछ
टू थ्री आवर्स में एक कंसोलिडेशन पैटर्न था, ये जो चार बियरिश कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं, इसका अगर लो ब्रेक करता है यानी 11,572 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,534, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,507, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये मूव करता है तो इसे अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये स्विंग हाई ऑलमोस्ट 11,645 के पास बन रहा है। तो जो फर्स्ट स्टार का ये जो हाई था 11,665, जहां पर इसने फिर से ऊपर जाते वक्त कोशिश की थी कि इसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, लेकिन हालांकि इसके ऊपर फर्स्ट स्टार के हाई के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पाया, तो 11,665 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,703, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,733, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।